Assalamu alaikum, students. Welcome to English class. I hope everyone is fine. Students, open your English books. Page number 9. Okay, students, today we will discuss the grammar part of uh, unit first. Noun change the following sentences from singular to plural or from plural to singular. स्टूडेंट्स आपको पता है प्लूलर और सिंगुलर क्या होते हैं ये वाहिद जमा होते हैं ठीक है वाहद जमा हमारे पास ये सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें जो नाउन यूज़ किए गए हैं उनको हमने अगर वो सिंगुलर हैं तो उनको हम प्लूलर में कन्वर्ट करेंगे अगर वो प्लूरल हैं तो उनको हम सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे जैसे हमारे पास है फ़र्स्ट वन इज़ अ बुक इज़ अ गुड फ्रेंड तो बुक और फ्रेंड हमारे पास नाउन है इनको हमने ये और ये सिंगुलर में है और इनको हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे जैसे कि है बुक्स आर गुड फ्रेंड्स अ बुक इज अ यहाँ पर से इज और आ जो है वो भी चेंज हो जाएगा आर में अ बुक इज़ अ गुड फ्रेंड जब हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा बुक्स आर गुड फ्रेंड्स नंबर टू स्मॉल कार इज अ गुड इज़ अ ग्रेट व्हीकल Small cars जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में तो ये होगा small cars आर ग्रेट vehicles इसी तरह थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है आर द स्टूडेंट्स इन the रूम्स अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स और क्लास रूम्स जो हैं ये हमारे पास नाउन है और ये प्लूरल में है इनको हम सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे इसको भी हम ये जो हमारे पास आ, हेल्पिंग वर्प है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा सिंगुलर में तो ये कुछ होगा इस तरह से कि इज द स्टूडेंट इन द्लास रूम फोर्थ पॉइंट है दीज ग्लासेस आर नॉट फार दो विमेन टू वेयर यहाँ पे ग्लासेज और वेमेन को हम कन्वर्ट करेंगे सिंगुलर में ठीक है ये प्लूटल है तो इसको हम सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स ग्लासेज हमारे पास स्पेक्टेकल होती हैं ठीक है थीके? जो पहनने के ग्लासेस होती हैं ये हमेशा हमारे पास प्लूरल फॉर्म में होती हैं इसको इसको हम दिस ग्लासेस भी कह सकते हैं और इनको हम दिस ग्लासेस भी कह सकते हैं ठीक है अब हम इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे सिंगुलर में दिस ग्लासेस इज नॉट फॉर दैट वुमन टू वेयर द लास्ट पॉइंट इज द ब्रश इज अंडर द चेयर द ब्रशिज़ आर अंडर दी चेयर्स द ब्रशज़ आर अंडर दी चेयर्स ओके स्टूडेंट्स ये हमारे पास था सिंगुलर टू प्लूरल या फिर प्लूरल टू सिंगुलर कन्वर्ट करना स्टेटमेंट को याद रखिए जब नाउन कन्वर्ट होंगे प्लूरल से सिंगुलर या सिंगुलर से प्लूरल में तो हमारे पास जो स्टेटमेंट में बाकी जैसे हेल्पिंग वर्ब वगैरह हो गए ये भी कन्वर्ट हो, हो, हो जाएंगे या फिर आर्टिकल्स हो गए ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे नाउन के साथ ही प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म में ठीक है मूविंग टू द पेज नंबर टेन यहाँ पे हमारे पास कुछ एम सी क्यूज और ब्लैंक्स एम सी क्यूज़ वगैरह हैं ठीक है ये इस तरह से है कि हमने इसमें देखना है कि चूज़ वेदर द फॉलोइंग आर कॉन्क्रीट और एब्सट्रैक्ट नाउन ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस की गई हैं पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्क्रीट और एब्सट्रैक्ट नाउन क्या होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है ठीक है हमारे पास सबसे सब पहले हमारे पास है कॉन्क्रीट नाउन सबसे पहले हमारे पास है कॉन्क्रीट और एब्सट्रैक्ट नाउन ठीक है तो हम इसको पहले डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है कॉन्क्रीट नाउन्स आर दी नेम्स नेम्स दैट वी कैन सी एंड टच स्मेल हेयर एंड टेस्ट यानी कि ये वो नाउन्स होते हैं वो नेम्स होते हैं किसी भी पर्सन प्लेस थिंग्स या किसी भी एनिमल का जिसको हम अपने जिसको हम फील करने के लिए अपने फाइव सेंसेस यूज़ करते हैं फाइव सेंसेस लाइक देखना टच करना स्मेल हेयर और टेस्ट जैसे क्या हो गया पिज्ज़ा बुक कप प्राइज ये सब एग्जाम्पल्स हैं ठीक है सेकेंड हमारे पास क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी बुक में है तो एब्सट्रैक्ट नाउन का हमारे पास डेफिनेशन है एब्सट्रैक्ट नाउन्स आर दे आर द नाउन्स दैट वी कैन नॉट सी एंड टच दे आर द थाट्स एंड फीलिंग्स अब कॉन्क्रीट नाउन में हम अपने फाइव सेंसेस यूज़ करते हैं ठीक है ना यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम देख सकते हो स्मेल कर सकते हो टच कर सकते हो टेस्ट कर सकते हो जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमारे हमारी थाट्स होती हैं है, और हमारी फीलिंग्स होती हैं हमारे इमोशंस होते हैं ठीक है अब फीलिंग्स और इमोशंस को ऑब्वियसली हम देख नहीं सकते है. जैसे कि अब हमारे पास हो गया लव जॉय सैड फ्रीडम इंटेलिजेंस ट्रुथफुलनेस ऑनेस्टी ये सारे हमारे पास क्या है हमारी फीलिंग्स हमारी थाट्स होती हैं इनको हम देख नहीं सकते टच नहीं कर सकते इनको हम फील कर सकते हैं ओके okay? तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शनस uh, दिए गए हैं इनमें से हमें सेलेक्ट करना है चूज़ करना है कि कौन सा कॉन्क्रीट नाउन है और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो अब आप देखें फ़र्स्ट वन हमारे पास है लव जैसे कि मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम ऐसे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास वो ना वो नाउन आते हैं जिनको हम देख नहीं सकते इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं तो लव ऑबियसली इसको हम देख नहीं सकते इसको हम फील कर सकते हैं तो यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का शॉर्ट एब्रिवेशन लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे ठीक है एप्रिवेशन लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेकेंड हमारे पास है बुक तो बुक हमारे पास क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट होगा या कॉन्क्रीट होगा ये आपने अब देखना है डिसाइड करना है थर्ड हमारे पास है गर्ल इंटेलिजेंस माउस लॉयल्टी लॉयल्टी मीन्स फेथफुलनेस ओके लैपटॉप पीस अब आपने खुद देखना है कि इनमें से कौन सा कॉन्क्रीट नाउन है कौन सा abstract नाउन है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की मैंने आपको डिफ़ाइन कर दी कि ये क्या होते हैं नेक्स्ट हमारे पास है चूज़ वेदर द फॉलोइंग nouns आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल अब काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हो ठीक है जैसे हमारे पास आ गया एप्पल हो गया बुक्स हो गया चेयर हो गया आपकी पेंसिल्स पेन pen, कोई भी ऐसा नाउन बॉटल्स ऑफ वाटर कोई कोई भी ऐसा हो जिसको हम काउंट uh, कर सकते हो अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते जैसे कि हमारे पास राइस शुगर स्नो वाटर हनी कुछ भी इस तरह से सैंड जिसको हम काउंट uh, नहीं कर सकते वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होते हैं अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपने ख़ुद सेलेक्ट करना है कॉफ़ी इनको हम अगर काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते या आपने बताना है टी बॉय सॉप टेबल कार हनी कीबोर्ड ये आपकी असाइनमेंट है ठीक है आपने इसको uh, अपनी रफ नोटबुक पे पहले उतारना है ठीक है सही सही करके लिखना है फिर आपने मुझे इसकी पिक्चर इनबॉक्स करनी है आफ्टर दैट वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अर ग्रामर फ्रॉम यूनिट फर्स्ट ओके स्टूडेंट्स ये दो आपकी असाइनमेंट मैंने आपको दे दी हैं पार्ट बी और पार्ट सी ऑन पेज नंबर टेन दिस इज़ ऑल फॉर टूडे थैंक यू